हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लवी नेवी चैनल। और मैं आपकी दोस्त सिमरन, और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ कि घर पे हम लोग आईब्रोज कैसे कर सकते हैं। बिकॉज कोविड की वजह से बहुत से लोग अवॉइड कर रहे हैं पार्लर जाना, तो इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। आपके घर पे कोई भी थ्रेड होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपरली आईब्रोज वाला ही थ्रेड चलेगा आपके घर। ये सबके घर पे मिलता है, बिकॉज ये इससे हम लोग कपड़े स्टिच करते हैं, ये सबके घर पे मिलता है। इस थ्रेड को हम लोग लेंगे, किसी भी कलर का चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर आपको वाइट कलर का ही लेना है। इसका लेंथ इतना रखेंगे। अब हम इसको एक साइड से ऐसे दांतों में रखेंगे, टाइट से रखना है। देन उसके बाद इस हैंड को हम लोग ऐसे रखेंगे, ऐसे। देन उसके बाद 1, 2, 3, 4 and 5 लेके देन इस हाथ को हम लोग खींचेंगे, और ये जो दांतों में हमने रखा है इसको हम लोग पुल करेंगे। देन ऐसे आप डायरेक्ट आईब्रोज पे अप्लाई मत करना, अगर किसी की आईब्रो खराब होगी तो आपको छोड़ेगा नहीं। आपका बहुत इजी सा तरीका बताती हूँ। जब आप लोग घर पे ट्राई कर रहे हो फर्स्ट, तो हम लोग ऐसे ही है, तो आप किसी भी टेबल के साइड पे या अपने लेग की थोड़ा सा से थ्रेड चल रहा है या नहीं चल रहा है, सी ये आपने देख लिया ये कैसे करना है। ये आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मैं आपको आईब्रोज करके दिखाती हूँ कि आईब्रोज पे कैसे करना है। ये आप एवरी डे अगर हाफ एन आवर भी करोगे तो आप पक्का डेफिनेटली आप बहुत अच्छे आईब्रो बना सकते हो। तो चलो अब हम आईब्रोज करने के लिए सबसे पहले पाउडर यूज़ करेंगे। पाउडर कोई भी पाउडर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पॉन्ड्स का पाउडर यूज़ करना है या कुछ। आपके पास कोई भी पाउडर रखा है आप वो यूज़ कर सकते हो। पाउडर से क्या होता है, जैसे स्वेटिंग हो जाती है या ऑयली होता है वो निकल जाता है, जिससे हमारी आईब्रोज में पेन नहीं होता है। चलो मैं अब आप लोगों को एक बार फिर से एक बार बता देती हूँ। इसको दांतों में ऐसे रखना है, देन उसके बाद हैंड को ऐसे 1, 2, 3, 4 and 5 और हम लोग सेंटर से यूज़ कर रहे हैं। किसी की स्किन अगर सेंसिटिव हो तो आप उनको बोल सकते हो नीचे से इसको स्टिच करने के लिए, ताकि आपकी स्किन ना आए। एक हाथ को नीचे से अच्छे से स्ट्रेच करना, अब ऊपर से स्ट्रेच कर लो आप इस साइड से। हाँ, आप जितना आप इसको अच्छे से टाइट करके इसको पकड़ोगे उतना ही आपको पेन कम होगा। तो ये आपको ये देख रहे हैं ना हेयर्स, हमें पहले सिर्फ एक्स्ट्रा निकालें, देन उसके बाद हम लोग शेप देंगे। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ से शेप देना। बहुत से लोग हैं कि जो यहाँ से शेप नहीं देते छोड़ देते हैं, बट यहाँ से शेप देना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही हम दूसरी करेंगे। ऊपर साइड से इसको हम रेजर से कट करेंगे। ये तो सबके घर पे सीजर मिल जाती है, सीजर। अभी इससे हम लोग कट करेंगे। अब मैं इसको कट कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये इसको ऐसे करके ना, दिख रहे हैं आपको ये एक्स्ट्रा हेयर्स। अब हम इसको निकालेंगे,
इधर से नहीं निकालने गाइस, प्लीज इधर से कभी आप लोग ये एक्स्ट्रा है ये निकाल दो तो आईब्रोज बहुत ही खराब लगेगी आपकी। अब देख सकते हो शेप आईब्रोज की, दूसरी साइड से भी हम सेम ऐसे करेंगे। आपके आईब्रोज हो गई मैडम। अब हम इस पे कोई भी कोल्ड क्रीम अप्लाई करेंगे या ऑयल भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे हल्का सा मसाज करें आप देख सकते हैं बस।